नमस्कार, सोशल एट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको शॉल बनाना बताती हूँ। शॉल की डिजाइन चैन कर लेंगे। पहले हम चैन कर लेंगे। दो सौ पचास चैन साल के लिए चाहिए रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन दिखाती हूँ। सिंगल चैन कर लेंगे पहले। पूरा चैन हमने सिंगल चैन कर लिया है। ये देखिए, हमने सिंगल चैन कर लिया। आप चाहें तो एक कलर में बना सकते हैं। इधर मैंने दो कलर बनाए हैं। दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक चैन छोड़ना है हमने। एक चैन छोड़ के दूसरे में हमें लेना है। देखिए, एक चैन हमने छोड़ा है, दूसरे में लेना है डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया है इधर। जो हमने चैन छोड़ा है वहां से हम लंबा एक खींचेंगे, करीब आधा इंच तक। तो दूसरा, जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है, दूसरे में लेंगे, एक एक तीसरे में लेंगे। इस तरह से तीन बार हमने लेना है। एक बार में इस तरह से निकालेंगे, फिर एक चैन छोड़ के हमने दूसरे में बनाना है डबल क्रोशी। तीन डबल क्रोशी बनाया हमने इस तरह से। देखिए, ये डिजाइन इस तरह से हमारी बनेगी। जो हमने चैन छोड़ा है उसमें लेंगे, पहले वाले डबल क्रोशी जो बनाया हमने उसमें लेंगे, फिर तीसरे में लेंगे। तीन हमने खींच के लिया है इस तरीके से। फिर एक चैन छोड़ के दूसरे में, इसी तरह पूरी डिजाइन हमने बनानी है। पूरी लाइन इसी तरह से हमने बनानी है। देख सकते हैं आप, पीछे से इस तरह से दिखेगा, आगे से इस तरह से दिखेगा। हमने यहाँ बेबी ऊन लिया है। बेबी ऊन बहुत पतला ऊन होता है, इससे शॉल अच्छे बन सकते हैं। मोटे ऊन से ज्यादा मोटा हो जाएगा। एक बार दूसरे चैन में, तीसरे चैन में, इस तरह से तीन बार हमने लिया है। इसी तरह ये डिजाइन बनेगी, एक छोड़ के। ये देखिए, हमारा एक लाइन पूरा कर लिया हमने। फिर एक लाइन हम
ग्रीन कलर से बॉर्डर करेंगे इस तरीके से। सिंगल चैन, एक लाइन सिंगल चैन देंगे। बीच से हम नहीं लेंगे, बीच का हमेशा छोड़ देंगे। देख सकते हैं आप, ये जो है बीच का हिस्सा जो है हमने इसे छोड़ दिया है, दूसरे चैन से लिया है सिंगल क्रोशिया। ग्रीन का एक लाइन दे देंगे इस तरह।